जायज बात रखो ना, आप सच्चे पत्रकार हो ना, तो जायज बात रखें, जायज बात रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस महापर्व पे सबको बधाइयां। हम राजा हैं, जो प्रजा वही राजा है और वही अपना राजा चुनती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक आवाज पहुंचाना चाहता हूं गांव खैरमपुर की तरफ से। जो बेसिक तीन चीज सरकार हमें दे सकती है, उनमें पहला चिकित्सा है, जिसमें कि हमारे गाँव के सारे अस्पताल टूटे पड़े हैं, कोई बारिश नहीं है, हमें लावारिश छोड़ दिया गया है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ एक अंग्रेजों से पहले स्कूल बनाया हुआ था, जिसमें लाहौर से विदेशों से बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। उसका बहुत बुरा हाल है। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ और क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जनता ये सरकार को चेतावनी देना चाहती है कि चीज़ों को सुधारो। उस शिक्षा ना मिलने के कारण मेरे गाँव के बंदे हर साल दो बच्चे जेल में जा रहे हैं, कोई क्राइम में जा रहा है, कोई लड़ाई झगड़े में जा रहा है। ये शिक्षा अच्छी ना मिलने के कारण हो रहा है, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं है। तीसरा एक छोटा सा काम जो सरकार कर सकती है, आज से 25 साल पहले तक, 20 साल पहले तक एक बस चलती थी गांव सारंगपुर से, जो हमें डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती थी हिसार से, जिसमें कि मेरे गांव के बूढ़े बुजुर्ग ऐसा है लोग जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, वो यहाँ से कोड़ी जाते हैं, कोड़ी से अगरवा जाते हैं, अगरवा से फिर वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में जाके कोई अर्जी लगाते हैं, किसी को कोई पेंशन बनानी है, किसी को कोई कागज़ बनाना है। उनको आज सीधी दिक्कत हो रही है और 20 साल से दिक्कत हो रही है, कोई नहीं पहचान रहा है। हमें डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जाए, हमें अनाथ छोड़ दिया गया है, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में और पहुंच के मामले में। हम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं गांव में, देखोगे आप, जाति बिरादरी भाईचारे सब चीज़ों को छोड़कर आप बेसिक सुविधा दे दीजिए हमें। इस 75 साल के कानून के राज में हमें कानून का हक ही नहीं मिला। एक गांव का बच्चा अगर शहर में पढ़ने के लिए अपने कागज़ जाति प्रमाण पत्र बनाना है, कोई रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना है, उसको पहुंचना भारी हो रहा है। वो घर से यहीं एक सुविधा होनी चाहिए और ये सरकार से मेरी विनती हाथ जोड़ के इसको अभी से संभाल ले। विधायक हमारा 3.5 साल में बदला गया है, पहले वाले को भी पेंशन मिल रही थी, अब जो 1.5 साल के लिए रहेगा उसको भी आजीवन पेंशन देगा। ये GST 18% का किसानों की खून पसीने की कमाई, ये कमेरे वर्ग की कमाई उनकी पेंशन में जाएगी, उनके बच्चों के लिए और उनकी पीढ़ियों के लिए मिलेगी। लेकिन मेरे गांव की आवाज़ आज भी दबी हुई है। नशे के 10-10 स्टेशन हैं, टिक्के लगते हैं यहाँ पे, नजायज़ शराब बिकती है, नजायज़ सारे काम हो रहे हैं। जो टैक्स का पैसा है, जो हमारी मेहनत का पैसा है, जो एक आम आदमी अपने मेहनत से मजदूरी से जो कमा रहा है, वो पैसा सारा बर्बादी में जा रहा है, इन नेताओं को पालन पोषण में जा रहा है। सारे गांव वालों से, सारी जनता से भी ये अपील है और अब की बार जनता फिर एक चेतावनी के लिए मैसेज देगी। 1.5 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ तो हम फिर बदलाव लाएंगे। अब भी बदलाव ला रहे हैं और आगे भी बदलाव लाएंगे।